जो मेरा घी बन गया है 20 दिन का, इतना घी बन निकाला है मैंने, इसका घी बन गया है। और जो मेरा इसका किट्टू निकला है, और इसकी मैं बेसन में सेक के इसको शक्कर डाल के मैं मिठाई बना दूंगी, तो अपना जो बेस्ट नहीं जाएगा, खप जाएगा। इसकी जो किट्टू निकला है तो इसकी मिठाई बनाना बताऊंगी, इसकी मिठाई भी बहुत पसंद आती बच्चों को, इसकी बना दूंगी मिठाई, और जो भी मैं आपको बताऊंगी। एक बड़ी चम्मच मैंने बेसन लिया है, अब मैं इसको इसमें कढ़ाई में डालूंगी, सेकूंगी और मैं घी की मिठाई बनाऊंगी, फिर आपको बताती हूँ। इसको अपना सेक लेंगे। इसको मैंने जो आधी कटोरी शक्कर लिया है, आधी कटोरी इसमें शक्कर लगेगी। जो मैंने नारियल बूरा लिया है, नारियल बूरा भी डाल सकते हो, किसी के पास नहीं हो तो ऐसे बेसन भी डाल के और शक्कर डाल के बना भी सकते। मैंने जो 4-5 काजू लिए हैं, 4 बादाम भिजी ली है, इसको मैं कूट लेती हूँ। मेरा जब बेसन मैरून हो गया है, एक खुशबू आने लगती है इसमें, भूंज पे के देखो मेरा जब बेसन सक गया है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ, मेरा बेसन सिक चुका है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब निकाल के बताती हूँ आपको, इसी में निकाल लो। मैंने अब इसको शक्कर डाली इसमें आधी कटोरी, मैंने 1 कप पानी डाला, देख रहा। अब अपने को इसको हिलाते रहना है तो इसका वो पाग बन जाएगा। इसको अपन देख सकते हैं, इसको ऐसा चिपकने लगेगा ना तो अपना पाग बन गया है। अभी अपना पाग बना नहीं है, अब बनने में बाकी है। मेरा पाग रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। मेरा पाग रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप। अब मैं इसको इसमें जो घी का किट्टू डाल रही हूँ, बेसन सका हुआ, और जो अब मैं इसमें आपको मिठाई बना के बता। और जा शक्कर बूरा और जे काजू किशमिश, बेस्ट नहीं जाता है, बच्चे खा लेते खुशी खुशी से।
मेरे बन गए हैं, लड्डू हो गया है। अब मैं इसके लड्डू बना देती हूँ। अब मैं इसमें निकाल लेती हूँ। थोड़ा हल्का हल्का इसको शक्कर बूरा गरी बूरा डाल लेती हूँ इसमें। अब मैं इसके लड्डू बना लेती हूँ। आप भी अपने घर में बना के बच्चों को खिला सकते हैं। यही अच्छा लगता है इसमें। मैंने जो घी के लड्डू बनाए हैं, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताएं। हाँ तो दोस्तों, आपको हमारी ये अनोखी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हमने इस तरीके से जो लड्डू बनाए हैं ये बहुत ही अनोखे तरीके से बनाए हैं। आई होप आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा और आप भी अपने घर पे इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई मॉम चैनल मॉम्स मैजिक। थैंक यू सो मच।